नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग अपने जो भारत देश है उसके 28 राज्य के कुछ बारे में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग आज जानेंगे, अपने यूनियन टेरिटरीज के बारे में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में हम कहीं जा नहीं सकते हैं, तो आइए क्यों ना इसी वीडियो के माध्यम से हम अपने 28 राज्य की शेयर करते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। आज सबसे पहले आते हैं आंध्र प्रदेश पे, जिसका जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। ब्लेस्ड विद टू ब्यूटीफुल रिवर्स, आंध्र प्रदेश में दो ब्यूटीफुल रिवर्स हैं जो कि कृष्णा गोदावरी। आंध्र प्रदेश हैज ऑल्सो द बे ऑफ बंगाल टू इट वेस्ट एंड इट बूस्ट ऑफ अ कोस्ट लाइन ऑफ 972 किलोमीटर, द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। दिस स्टेट इज वाइडली एडवर्टाइज्ड एज द कोहिनूर ऑफ इंडिया। दूसरा है देखिए अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद भी आप, मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें छोटी छोटी बातें हैं कि कौन सा राज्य जो है कब बना था। तो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो क्या है, ईटानगर है। होम टू पिक्चर स्क्वेयर माउंटेन्स, अनएक्सप्लोर्ड पासेस, ट्रैंक्विल लेक्स एंड फेमस मोनेस्ट्रीज। अरुणाचल प्रदेश इज एन अमेजिंग डेस्टिनेशन फॉर एन अमेजिंग हॉलीडे। अरुणाचल प्रदेश इज द परफेक्ट स्टेट फॉर यू इफ यू विश टू एक्सप्लोर। तीसरा आता है असम, जिसका कैपिटल है दिसपुर। यहाँ पे देखिए कितना, मतलब अच्छे अच्छे हमारे 28 राज्य, कितनी डाइवर्सिटी है इसमें। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या दी हुई है कि अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड डाइवर्स हिस्ट्री, असम इज वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड रीजन्स इन द कंट्री, लैंडिंग इट एन इनमेलकुलेट अनटच्ड ऑरा दैट विल एल्योर यू, अ लैंड ऑफ वाइल्ड फॉरेस्ट, माइटी रिवर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड। चौथा आते हैं बिहार पे, a land where Buddha once lived, a land of monasteries. Bihar is visited by huge number of Buddhist followers as well as tourists of other faiths all around the year. Its association with Buddhism and Jainism makes it a must visit place for peace seekers, for people who like to leave the ruler touch along with tribal culture and glorious. कैसे बिहार का हम छठ भूल सकते हैं। आते हैं अपने पांचवें राज्य यानी छत्तीसगढ़, जिसका कैपिटल है रायपुर। The oldest tribes of India dwell in Chhattisgarh, some of them for almost 10,000 years. A blend of culture, arts and religion of the local and tribal people. Chhattisgarh exhibits the instance of ancient India, home to plenty of gushing waterfalls, ancient temples and monuments. सो अगर आपको कभी भी समय मिले तो आप ज़रूर छत्तीसगढ़ चाहिए। हमारा छठा राज्य है वो है गोवा, जिसकी जो राजधानी है वो पनाजी है। लेइंग ऑन द वेस्ट कोस्ट, गोवा इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, नोन फॉर इट्स ब्रिलियंट बीचेस, स्क्रम्पचेस फूड एंड पोर्चुगीज हेरिटेज। द कैपिटल सिटी लोकेटेड इन द सेंटर इज वेल कनेक्टेड विद एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड रोड्स एंड ट्रेन रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पार्ट ऑफ गोवा। तो ये सारी चीज़ें थी जो छोटी छोटी गोवा के बारे में आते हैं। आते हैं हम लोग गुजरात के बारे में, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। होम टू सेवरल आर्किटेक्चरल मार्वल्स, गुजरात इज फेमस फॉर इट्स वाइब्रेंट कल्चर एंड हेरिटेज। हम गुजरात को कैसे भूल सकते हैं, पूरा सत्ता ही तो यहीं बीजेपी ही संभाल रहा है। तो अब देखिए, ऑफरिंग ए ब्रॉड रेंज ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर अट्रैक्शन, गुजरात ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ लीजेंड्स प्रेजेंट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ आर्ट, हिस्ट्री, म्यूजिक एंड कल्चर। इवन गुजरात का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर वो भी 1 मई 1960 को था। आते हैं अपने हरियाणा यानी उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा इज अ वाइब्रेंट स्टेट दैट हैज मैनेज्ड टू रिटेन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द एंशियंट येट वाइब्रेंट पास्ट एंड एक्साइटिंग फ्यूचर टू लुक फॉरवर्ड टू इट। हरियाणवी सॉन्ग जितने भी है, सपना चौधरी के जितने भी सॉन्ग्स है, वो आज यूपी में नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई सब में चल रहे हैं, तो हम हरियाणा को कैसे भूल सकते हैं। फिर हमारा नौवां राज्य हिमाचल प्रदेश। वाओ, मतलब ये सीन देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लॉकडाउन खुले वैसे ही जाना चाहिए। इसका कैपिटल है शिमला, अ पीस ऑफ इमेंस ब्यूटी एंड चार्म। हिमाचल इज एंडोवेड विथ क्लियर एंड सरन लेक्स, लॉफ्टी माउंटेन, एंशियंट टेम्पल्स एंड चीयरफुल पीपल हु आर एज इनोसेंट एज नेचर इटसेल्फ। होम टू सम ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइक कुल्लू, मनाली, चंबा, शिमला। ये सारी चीज़ें जो हिमाचल प्रदेश में है। ये हम आते हैं, हमारा ये झारखंड है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट फॉर वाइल्ड लाइफ and nature of flowers, Jharkhand is a state replete with a vast boundary of towering mountains, dense forest and gushing waterfalls. Yahan pe dekhiye, there is much to Jharkhand than just its scenic landscape though, with several museum temples and wildlife reserves scattered around. To Jharkhand ka humne kya padha tha ki 15 November 2000 ko iska establishment hua tha. Aate hain apne 11th rajya yani Karnataka pe, jiska jo capital hai wo hai Bangalore. Ranked the fourth most popular tourist state in the country, Karnataka has a bouquet of
attraction to offer you, expanded from Bandrium in the north to Bangalore in the south, which is also its capital. It has all features of great tourist destination. अब देखिए 12वां हमारा केरला है, और केरला अभी बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेग्नेंट एलिफेंट के साथ जो हिस्सा जो किस्सा हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है. तो ये देखिए केरला में, लेकिन उसके बावजूद भी केरला बहुत अच्छी जगह है, बट ऐसी जो चीज़ें हैं जो इतना केयरलेसनेस के साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए था. यहाँ पे कोकोनट है, ट्रीज़ है, गॉड्स ओन कंट्री भी इसे कहा जाता है, और टाइनी सिल्वर ऑफ पैराडाइज. उसके बाद से 13वां राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल. कैसे हम भूल सकते हैं जहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी. तो मध्य प्रदेश गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल पोजिशन, बीन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इंडिया. हाउ एवर इट्स टैग लाइन द हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया हैज मोर टू डू विद द फैक्ट दैट इट्स हाउसेज फेसेट्स ऑफ द होल ऑफ इंडिया इन टू दिस स्टेट, फ्रॉम द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स टू मॉडर्न एम्यूनिटीज. यहाँ पे बहुत सारी कलाएं भी हैं. आते हैं अपने 14वें राज्य यानी महाराष्ट्र पे. मुंबई में अभी रिसेंट में यहाँ पे जो निसर्ग तूफान चक्रवात आया है वो बहुत ही मुंबई को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रक्शन इसका किया हुआ है. ऑफन कॉल्ड द गेटवे टू द हार्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र इज क्वाइट लार्जर देन मोस्ट स्टेट्स इन द कंट्री. ओविंग टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द वेस्टर्न घाट्स, इट इज ब्लेस्ड विद अ पिक्चरस्क्यू ड्रॉप ऑफ द माउंटेन्स. आते हैं अपने 15वें राज्य मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल. द ज्वेल सिटी ऑफ इंडिया, मणिपुर इज लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेट्स इन इंडिया, वेयर मदर नेचर हैज बीन एक्स्ट्रा जेनरस इन हर बॉन्टी. मतलब इतनी अच्छे अच्छे राज्य हैं, सबका अलग अलग कुछ खूबियाँ हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो घूमने लायक हैं. यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क इन मणिपुर इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड. तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट. मेघालय, जिसका जो राजधानी है वो क्या है, शिलोंग है. मेघालय द एबॉड ऑफ क्लाउड, यानी कि मेघों का घर, इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑफरिंग अ वराइटी ऑफ साइट्स, एक्टिविटीज, फूड एंड festivals to the tourists. Well known for Cherrapunji, the place which receives one of the maximum rainfall in the world. तो देखिए हम लोग राज्य के साथ साथ जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी जान जा रहे हैं. अब आते हैं 17वां राज्य है हमारा मिजोरम, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि द मॉडरेट क्लाइमेट ऑफ मिजोरम, कंफर्टेबल इवन इन समर, मेक्स इट अ कंफर्टेबल डेस्टिनेशन फॉर ऑल द टूरिस्ट, वेयर द वास्ट कल्चर एंड ग्रैंड festivals owed the state have a unique irresistible charm which cannot be explained, said or read. मतलब जो ना बताया जा सकता है उसे आप देखोगे तभी फील करोगे. आते हैं अपने 18वें राज्य यानी नागालैंड पे, जिसकी जो राजधानी है वो कोहिमा है. नागालैंड को क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट. सो निकनेम इज स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट. नागालैंड इज क्वेंट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड हिल स्टेशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया. देखिए ये चित्र ही देख के मतलब बहुत अच्छा लग रहा है. इनहैबिटेड बाय द ट्राइब्स हु आर वेरी प्रोटेक्टेड टुवर्ड्स देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी. 19वां आते हैं उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर पे, जिसकी राजधानी है. लैंड ऑफ पैडी फील्ड्स एंड पाम फ्रिंज्ड सिल्वर बीचेस, टेम्पल, रिवर्स, वाटरफॉल एंड ट्राइबल पीपल. उड़ीसाज मेजर अट्रैक्शंस आर द टेम्पल्स ऑफ भुवनेश्वर एंड पुरी. ये उम्फान जो तूफान आया था ये उड़ीसा को बहुत ज़्यादा हिट किया है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम अभी जान सकते हैं उड़ीसा के बारे में. उसके बाद से देखिए सन टेम्पल्स ऑफ कोणार्क जो है वो उड़ीसा का है. 20वां राज्य यानी पंजाब, जिसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है. पंजाब लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, अ नेटवर्क ऑफ फाइव रिवर्स दैट इज द रवि, बीस, सतलुज, चेनाब एंड झेलम. इरीगेट्स दिस लैंड एंड कल्चर, एग्रीकल्चर इज द कल्चर ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब. नोन फॉर इट्स क्यूजाइन कल्चर एंड हिस्ट्री, पंजाब इज विजिटेड बाई टूरिस्ट हु वॉन्ट टू एन्जॉय कल्चर. यहाँ पे खाने की भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं. आते हैं अपने 21वें राज्य पे, वो है राजस्थान, जिसकी राजधानी, जिसका जो कैपिटल है वो है जयपुर. Formerly known as the land of the king, Rajasthan is a beautiful example of India's age-old opulence and grandeur, traces to which still linger in the air of this state. In terms of area, it's the longest among all the states in India. ये चीज़ है, घूमर जो है यहाँ का डांस है. उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान में, सिल्वर ज्वेलरी, ये सारी फेमस है. आते हैं अपने 22वें राज्य यानी सिक्किम, सिक्किम जिसका जो कैपिटल है वो है गंगटोक. सिक्किम द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इज द लैंड ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल, रिवर, माउंटेन्स, लेक्स एंड वाटरफॉल. द माउंटेन पीक्स, होली लेक्स, एंशियंट मोनेस्ट्रीज, ऑर्चिड नर्सरीज एंड स्टनिंग ट्रेकिंग रूट्स मेक्स सिक्किम अ परफेक्ट
स्टेट, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग ने सिक्किम में पढ़ी। आते हैं अपने 23वें जो राज्य है वो है तमिलनाडु, जिसका जो कैपिटल है वो है चेन्नई। अ लैंड ऑफ कल्चर, दिखने में ही सीन कितना अच्छा लग रहा है, अ लैंड ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज। तमिलनाडु ऑफर्स एवरी चांस टू द टूरिस्ट और पिलग्रिम्स टू बी एनचेंटेड विद अ वास्ट प्लीथोरा ऑफ हिस्ट्री एंड ब्यूटी दैट इट हैज। इट्स अ ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड एंशियंट दैट मेक्स तमिलनाडु अ ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर। आते हैं अपने 24वें राज्य यानी तेलंगाना पे, जो कि जिसका जो अब दो कैपिटल बन गया, एक हैदराबाद शेयर विद आंध्र प्रदेश। तेलंगाना इज़ द यंगेस्ट अमंग द स्टेट्स इन इंडिया, और मैंने तेलंगाना का एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने सारे राज्य के एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद करवाया, जिसमें तेलंगाना जो है वो 2 जनवरी 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ है। उसके बाद से देखिए, इट वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ रीजन। त्रिपुरा है 25वां है, इसका कैपिटल वो अगरतला है। रिच एंड गॉर्जियस लैंडस्केप, क्रिस्टल वाटरफॉल्स, अवे इंस्पायरिंग माउंटेन, डेंस फॉरेस्ट एंड जनरस स्प्रिकलिंग ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। त्रिपुरा, ये देखिए, द स्टेट एग्जिबिट्स अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल ट्राइबल कल्चर विथ अ लिटिल मोर मॉडर्न बंगाली कल्चर। तो ये सारी चीजें, यहाँ पे एक और मानिया का ट्राइब भी फेमस था। उसके बाद से देखिए उत्तराखंड, वाओ, यहाँ पे तो आप जाके देखोगे तो अभी इसकी ब्यूटी का जो पता चलेगा। फेमसली नोन एज देवभूमि और द लैंड ऑफ गॉड्स, उत्तराखंड अ लैंड ऑफ अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी एंड सबलाइम स्पिरिचुअलिटी। केव्ड आउट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, द स्टेट फॉर्मली नोन एज उत्तरांचल इज अ प्लेस दैट नॉट ओनली बूस्ट ऑफ अ स्कैंटिलेटिंग टू द नेचर। 27वां है हमारा उत्तर प्रदेश, ये भी बहुत अच्छा राज्य है, जिसकी जो राजधानी है वो है लखनऊ। होम टू वन ऑफ द 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्लॉन्टिंग एक्सक्वाइट्स आर्ट लाइक द हैंडीक्राफ्ट एंड ज्वेलरी, उत्तर प्रदेश इज अ ब्यूटीफुल स्टेट एंड अटरली रिलीजियस वन। उत्तर प्रदेश को हम कैसे भूल सकते हैं। ये हमारा 27वां राज्य है, और जो लास्ट राज्य होगा वो हमारा 28वां राज्य होगा, और वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, जिसका जो कैपिटल है वो है कोलकाता। वेस्ट बंगाल बूस्ट ऑफ डिफरेंट एंड ethnicities, culture, religion, people and languages which add to this beautiful landscape, forests, coastal beauty, heritage. जो वेस्ट बंगाल है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि उसका जो establishment year है वो 1 नवंबर 1956 है, और वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है और जो उनका मच्छी खाने का जो स्टाइल है वो बहुत ही फेमस है। अब आते हैं हम अपने यूनियन टेरिटरीज में। रिसेंटली हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, जिसमें अंडमान निकोबार है, उसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1 नवंबर 1956 है। दूसरा चंडीगढ़ है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1 नवंबर 1966 है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये है जिसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 26 जनवरी 2020 है। देन फोर्थ है दिल्ली, फिफ्थ जम्मू एंड कश्मीर, और ये चीज़ें थी। तो ये इस तरह से हमारे टोटल 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन से कि स्टेट्स एंड कैपिटल ऑफ इंडिया, तो देखिए ये वाला चीज़ इसलिए मैंने दिया क्योंकि आपको, ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए। तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, तो दे आर टोटल ऑफ 28 स्टेट्स इन इंडिया एज ऑफ मई 2020। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होंगी। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, कितने हैं, तो वो 28 है। इस तरह से आप देखिए, और क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ बीन बायरिकेटेड टू मेक यूनियन टेरिटरी, तो जम्मू एंड कश्मीर इज बायफर्केटेड इनटू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरीज। इसमें देखिए, हु इज़ द हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो ये सारी चीज़ें थी। फिफ्थ क्वेश्चन था कि वॉट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, सबको पता है कि न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो हमारे 28 राज्य को दर्शा रहा था, हमारे यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल को, उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर को। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप इसे देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगी, उसकी राजधानी भी किस राज्य की क्या है, वो सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो है जो किस राज्य का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो भी मैंने ट्रिक से बनाया, उसे भी आप देखिएगा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे जो है ज्योग्राफी बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, और उन सारी